नमस्कार साथियों, आज अपने पढ़ेंगे भाषा शिक्षण की विधियाँ और भाषा शिक्षण विधियों के अंदर से डेफिनेट दो या तीन क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना होता है और ये जो नोट्स हैं वो सार संगत हैं, तो इसमें से ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अपने पढ़ते हैं शिक्षण की विधियाँ। तो पहली विधि है अनुकरण विधि। इसमें क्या होता है, एक शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करते हुए जब कोई बालक भाषा सीखता है तो वह उसकी अनुकरण विधि कहलाती है। अनुकरण विधि के प्रकार लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण और रचना अनुकरण। मतलब एक तरह से तीन प्रकार के अनुकरण है, लेखन उच्चारण और रचना। अब ये लेखन अनुकरण है, उसमें क्या होता है, रूपरेखा लेखन और स्वतंत्र लेखन दो प्रकार से इसको बांटा गया है। तो रूपरेखा लेखन में क्या होता है, जब एक शिक्षक बालक को एक रूपरेखा तैयार करके देता है, यानी बनाकर देता है, तथा उस रूपरेखा के आधार पर बालक नया वास्तविक वर्ण या शब्द बना लेता है तो उसे रूपरेखा लेखन कहते हैं। स्वतंत्र लेखन में क्या होता है, एक शिक्षक बालक को जब श्यामपट पर लिखी हुई विषय वस्तु या फिर पुस्तक से नया से नकल करने के लिए देता है और बालक स्वतंत्र रूप से लिखना सीखता है तो इसे स्वतंत्र लेखन कहते हैं। उसके बाद देखिए उच्चारण अनुकरण। जब एक बालक को लिखना आ जाता है तो फिर उसे उच्चारण करना सिखाया जाता है। इसके लिए पहले शिक्षक उच्चारण करता है और उसके बाद बालक उच्चारण करता है, यानी उच्चारण अगर सही होता है तो बालक भविष्य में भी उच्चारण करना अच्छी तरह से सीख जाता है और सही उच्चारण करता रहता है। जैसे अंग्रेजी भाषा में उच्चारण अनुकरण का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ कई बार एक ही वर्ण का उच्चारण दूसरी परिस्थिति में बदल जाता है, जैसे PUT कुट, CUT कट। मतलब कुट PUT होता है और ये स्पेलिंग U की जो मात्रा है या U की है वो दोनों जगह है, फिर भी क्या है, कुट और कट बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे शिक्षक उच्चारण सही करेगा तो बालक भी क्या करेगा, उच्चारण भविष्य में सही करता रहेगा। उसके बाद है रचना अनुकरण। रचनानुकरण में क्या होता है, जब शिक्षक एक बालक को किसी प्रकार की कोई रचना करके बता देता है और बालक उसके आधार पर कोई दूसरी रचना कर लेता है तो यह रचना अनुकरण कहलाता है। जैसे दीपावली का निबंध लिखवाने के बाद उसके आधार पर होली का निबंध लिखवाना एक तरह से रचना अनुकरण कहलाता है। इस विधि का उपयोग करने के कारण बालक में मौलिकता का विकास नहीं हो पाता है। एक तरह से एक दोष मान सकते हैं कि इस विधि का उपयोग करने से बालक में मौलिकता का विकास नहीं हो पाता है। उसके बाद शिक्षण विधि है मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि है, इसमें से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसमें देखिए यह एक प्रकार की खेल विधि है तथा इस विधि को देने का श्रेय मारिया मोंटेसरी को जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि कोई खिलौना टाइप होता है और वो जिसे उसका खोखा या यानी बीच में से खाली होता है और उसके अंदर क्या है, बच्चा अपने पेन या कोई भी पेंसिल से अक्सर उसके अंदर से लिखता जाता है और वो नीचे किताब में या स्लेट पर छप जाता है, तो उसके बाद में जो हटाने के बाद वो पूरा का पूरा जो चित्र है या जो अक्षर है वो छप जाता है, जैसा आपने चित्र क और ए बनाया गया है। तो इस विधि में कुछ खोखले वर्ण होते हैं जिनके सहयोग से एक बालक वर्ण लिखना सीख जाता है। मोंटेसरी विधि के गुण और दोष। मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित विधि है, शारीरिक व मानसिक विकास करती है, बालक स्वयं करके सीखता है,
इसलिए चिंतन का विकास होता है, सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा का भी विकास होता है। ये मोंटेसरी विधि के गुण हैं। दोष हैं, यह अत्यधिक खर्चीली होती है क्योंकि इसमें यानी अपने कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और थकान जल्दी आ जाती है, दुर्घटना का भय बना रहता है, केवल प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी, सामान्य विद्यालय में उपयोग संभव नहीं है। ये मोंटेसरी विधि थी। उसके बाद है खेल विधि। सर्वप्रथम इंग्लैंड के गणित शिक्षक हेनरी कोल्डवेल कुक ने सर्वप्रथम खेल विधि का विचार दिया। हेनरी कोल्डवेल कुक, खेल एकमात्र ऐसा कार्य है जिसको बालक पूरे मन से खेलता है, ये हेनरी कोल्डवेल कुक ने कहा था। और वर्तमान में प्रचलित खेल विधियां निम्न हैं, किंडरगार्टन विधि है, साचार्य विधि है, डाल्टन विधि है। तो इन विधियों में कई बार इनके जो प्रणेता हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं या किसने दिए हैं, इसके बारे में भी ये प्रश्न आते हैं। जैसे किंडरगार्टन है वो फ्रोबेल ने दिया था, साचार्य विधि है वो मारिया मोंटेसरी ने दी थी, और डाल्टन विधि है वो कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट ने दी थी। उसके बाद देखिए साचार्य विधि। इस विधि में बालक को शब्द ज्ञान करवाया जाता है तथा सबसे पहले विभिन्न वस्तुओं पर उनके नाम लिखी पर्चियां रखी जाती है तथा बालकों को बता दिया जाता है। उसके बाद पर्चियां अलग अलग कर उन्हें एक एक बालक से वापस वस्तुओं पर रखवाते हुए उसका अभ्यास करवाते हैं। इस प्रकार साचर्य व्यवहार से बालक सीखता जाता है। तो यह साचर्य विधि है। उसके बाद है किंडरगार्टन विधि। यह भी खेल विधि है जो अपने पहले चर्चा कर चुके हैं, फ्रोबेल ने दी थी। फ्रोबेल ने यह विधि देते हुए कहा कि जिस प्रकार से एक माली अपने बगीचे में पौधे एवं फूलों की देखभाल करता है तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित करता है यानी वातावरण देता है, उसी प्रकार से एक विद्यालय में शिक्षक रूपी माली अपने विद्यार्थियों के लिए कार्य करता है। ये किंडरगार्टन विधि है। उसके बाद है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें पर्सन है वो एक डाल्टन शहर के ऊपर रखा गया है। तो कौन सी शहर, ऐसी कौन सी विधि है जो डाल्टन शहर के नाम पर है या शहर के नाम पर है, तो वो डाल्टन विधि है। जनक कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट हैं, अमेरिका के डाल्टन शहर में विकसित की गई। इस विधि का सबसे पहले पाश्चात्य देशों में चलन हुआ। यह विधि एक विद्यालय प्रणाली है जिसमें बालकों के लिए कोई विशेष टाइम टेबल निर्धारित नहीं होता, बल्कि विषय भी बालक स्वयं की इच्छा से पढ़ता है। खेल विधि के गुण और दोष हैं। गुण देखिए, पहले मनोवैज्ञानिक विधि होती है, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए रोचक होती है, स्थायी ज्ञान प्रदान करने वाली होती है, चहुमुखी विकास करने वाली होती है, मतलब पूरा विकास करने वाली होती है। दोष समय व धन की अधिक खर्च होता है, बालकों में भाषा के लेखन कौशल का विकास नहीं होता है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, एक खेल विधि के गुण और दोष हैं। तो इससे भी प्रश्न उत्पन्न होता है। तो इसके अलावा और भी अपने बहुत सारे जो शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में आगे अपनी चर्चा करेंगे। जितना आज बताया है उनमें भी प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, तो इनको एक दो बार आप रिपीट कीजिए और अच्छी तरह से उनको ध्यान से देखिए। थैंक यू।